बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल इन वन टेक के ऐसे। तो आज एक नए इन्फॉर्मेशन अपडेट के साथ हाजिर हुए हैं। आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आप भी ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं अपनी पुरानी कंपनी को छोड़कर नई कंपनी में, तो ट्रांसफ़र लेने से पहले आपको किन बातों का ख्याल रखना है, ये इस वीडियो में हम डिटेल के साथ आपको बताएंगे। और ट्रांसफ़र लेने से पहले आपने अपनी कंपनी की जो पॉलिसी है उसको लाजमी तौर पर पढ़ लेना है। अगर आप किसी प्रॉब्लम से बचना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी कंपनी या कफील आपके लिए प्रॉब्लम ना करे, तो ट्रांसफ़र लेने से पहले आप अपनी कंपनी की जितनी भी पॉलिसीज़ हैं उनको रीड कर लें। रीड करने के बाद फिर ट्रांसफ़र लें ताकि आपके लिए कोई प्रॉब्लम ना हो। अब आपने अपनी कंपनी की जो पॉलिसीज़ हैं वो कैसे देखनी है, कहाँ से देखनी है कि आपकी कंपनी की क्या पॉलिसी हैं, आपको अपनी कंपनी के पास जाने की ज़रूरत नहीं, बल्कि आप अपने कीवा के ही अकाउंट से, आपने जहाँ पे कीवा की रजिस्ट्रेशन की हुई है, अपना अकाउंट ओपन करना और वहीं से जाके आपने अपनी कंपनी की जो पॉलिसी हैं उसको पढ़ लेना है। तो आपको चलिए बताते हैं कि आपने कहाँ से अपनी कंपनी की पॉलिसीज़ निकालनी है और उसको रीड करना है और पढ़ना है और फिर ट्रांसफ़र लेना है। तो इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी से कर लें, ताकि इस तरह की कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाएं, ट्रांसफ़र से रिलेटेड वीडियो बनाएं, तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और उसके बाद आपसे गुजारिश है कि आपको अगर कोई प्रॉब्लम है तो अगर आपके मैसेज का जवाब कॉमेंट्स बॉक्स में नहीं दिया जाता, रिप्लाई नहीं मिलता आपको, तो यूट्यूब के बायो में व्हाट्सअप का नंबर दिया हुआ है, आप वहां पे अपना मैसेज छोड़ सकते हैं। इंशाल्लाह आपके मैसेज का लाजमी तौर पर रिप्लाई आपको मिलेगा। तो चलिए चलते हैं और आपको बताते हैं कि आपने अपने जो एम्प्लॉय है, अपनी कंपनी है, उसकी पॉलिसी को आपने कहाँ से देखना है। तो उसके लिए आपने अपना कीवा की जो वेबसाइट है उसको ओपन करना है और वहाँ पे अपनी जो, अगर रजिस्ट्रेशन नहीं की तो रजिस्ट्रेशन कर लें, और रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपकी जो कीवा की वेबसाइट है कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगी। तो जैसे ही वेबसाइट ओपन हो उसके बाद आपके सामने बहुत से ऑप्शन आ जाएंगे, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, एंड ऑफ सर्विस कैलकुलेट, एम्प्लॉय पॉलिसीज़, शेयर प्रोफाइल, एम्प्लॉय ट्रांसफ़र, जॉब कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे एंड ऑफ कैलकुलेटर के नीचे ही बिल्कुल आपको आपकी कंपनी की जो पॉलिसीज़ हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगी। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं लिखा है एम्प्लॉयर पॉलिसीज़, तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपने स्क्रीन को थोड़ा सा ऊपर की तरफ स्वाइप करना है, और जैसे स्क्रीन को ऊपर की तरफ स्वाइप करेंगे तो यहाँ पे लिखा है आपको न्यू पॉलिसी और नीचे डेट लिखी हुई है, उसके नीचे बिल्कुल नीले कलर के बॉक्स में प्रीव्यू लिखा हुआ है, तो आपने इस प्रीव्यू वाले ऑप्शन पर जस्ट एक बार क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपकी कंपनी की जितनी भी पॉलिसीज़ हैं, चाहे आप ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं या आपके काम से रिलेटेड जो भी पॉलिसीज़ हैं, वो आपको पीडीएफ की शक्ल में आपको मिल जाएगी, तो आपने उसको रीड कर लेना है। तो मैंने उस प्रीव्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक किया तो मेरे जो कंपनी की पॉलिसीज़ हैं वो मेरे सामने शो हो गई हैं पीडीएफ की शक्ल में। तो यहाँ पे आपने इन सब को रीड कर लेना है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये जो सारी पॉलिसीज़ हैं वो कंपनी की है, मुअत्तफ के लिए यानी कि एम्प्लॉय के लिए क्या अहकाम हैं, उनकी क्या शरायत हैं, उसके बाद अगर आप कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट की क्या क्या शरायत हैं, ट्रांसफ़र लेने चाहते हैं तो उसकी क्या क्या शरायत हैं, यानी कि ए टू जेड जितनी भी पॉलिसीज़ हैं आपकी कंपनी की। ये नहीं कि ये पॉलिसी सिर्फ वही लोग पढ़ें जिन्होंने ट्रांसफ़र लेना है, जो लोग कंपनी में काम करते हैं और चाहते हैं कि वो अपनी कंपनी की जो पॉलिसीज़ हैं वो जाने, कि उनकी कंपनी की क्या क्या पॉलिसीज़ हैं जानना चाहते हैं, जानने का शौक़ रखते हैं, ताकि जब वो उस कंपनी में काम करें तो वो किस पोजीशन से काम करें, कि वो अपनी कंपनी की जो पॉलिसी हैं उसको मद्देनज़र रख कर काम करें, अगर कोई किसी किस्म का एक्शन लेना है तो उनकी पॉलिसीज़ को पढ़ कर आप एक्शन लें ताकि आपके लिए कोई प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पे आपको आपकी कंपनी की जितनी भी पॉलिसीज़ हैं वो शो हो जाएगी। और मेन बात यह है कि जिन कंपनियों ने अभी तक कीवा पे इश्तराक नहीं किया तो उन भाइयों के यहाँ पे उनकी कंपनी की पॉलिसीज़ में भी नहीं शो हो सकती, क्योंकि उन्होंने अभी तक कीवा में इश्तराक नहीं किया। ये सिर्फ उन्हीं लोगों की कंपनी की पॉलिसीज़ यहाँ पे शो होंगी जिन लोगों ने कीवा पे इश्तराक किया होगा। तो इस तरह आप अपनी कंपनी की जितनी भी पॉलिसीज़ हैं आप उसको रीड करें अच्छे से, चाहे आपने ट्रांसफ़र लेना है, उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करना है, या किसी किस्म का भी आपकी कंपनी के साथ आपने कोई काम करना है, तो उनकी पॉलिसीज़ को लाजमी तौर पर पढ़ लें, समझ लें कि हमारी कंपनी की जो क्या पॉलिसीज़ हैं।
तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इन्फॉर्मेशन की समझ आ गई होगी। इससे पहले अगर आपने ये नहीं पता आपको और आप चाहते हैं कि आपके दूसरे दोस्तों को भी इस चीज़ का इन्फॉर्मेशन मिले, तो आप इस वीडियो को उन तक शेयर करें ताकि उनको भी इसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो इंशाल्लाह जल्द ही नई वीडियो के साथ हाज़िर होते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।